गया था, मैं घर आया था, फिर सोचा था कि मूवी देखने चलते हैं, कश्मीर फाइल्स बहुत ही अच्छा, सबका रिव्यू अच्छा है, मैं बोला चलो एक बार देखने जाते हैं, लेकिन उसका टिकट नहीं मिला था कल। सो आज मिल गया उसका टिकट, आज शाम को 8 बजे हम लोग जाएंगे, मैं पीयू और 2 जन जाएंगे मूवी देखने के लिए। सो एक बार देख के आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। कल फिलहाल हम लोग गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं गए थे मूवी देखने, नहीं, दूसरा जगह गांधी पार्क करके पार्क ही गए थे, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि रात को गए तो उतना खास कुछ नहीं है अंदर, और मेरे को अच्छा भी नहीं लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं डालूंगा भी नहीं। मैं एक बार सोच रहा हूँ सुबह जाके उसका व्यू एक बार देखूँ, देख के मैं वीडियो बना के डालूँ, रात को तो उतना खास कुछ नहीं लगा, सिर्फ बच्चे लोगों का स्लीप वगैरह ये सब है, फिर वहाँ पे झूला वगैरह है, फिर एक गांधी जी का स्टैचू है, क्योंकि गांधी पार्क नाम है तो गांधी जी का स्टैचू है, एक जैपनीज टेम्पल है, जैपनीज बंकर है, बस ये सब ही है अंदर, और तो कुछ भी नहीं है। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज बोल के रखा है, लेकिन वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज खास करके वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो पैडल बोट है और कुछ भी नहीं है। सो एक बार सुबह जाके मैं देखूंगा वहां पे, अगर कुछ अच्छा व्यू मिलता है तो ऑब्वियसली मैं वीडियो बना के डालूंगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मेरा ये बालों को इग्नोर कर दो, क्योंकि कल रात को मैंने ऑयल मैसेज किया था, मैंने नहीं, प्यू ने कर दिया था मेरे को, और बहुत ही रिलैक्स, अभी बाल बढ़ा रहा हूँ तो ऑयल मैसेज करने से, ये जो मैंने मामा अर्थ का जो ऑनियन हेयर ऑयल लिया है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, मेरा तो बाल झड़ना बहुत कम हो गया, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और अच्छा तगड़ा वाला मैसेज लिया, फिर सो गया। अभी ये ऐसा बिखरा हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक तभी होगा नहाने के बाद, पहले से ठीक नहीं होगा, अभी इसको जितना भी कोम करो ये ठीक नहीं होने वाला। हम लोगों का घर का एक खास बात है, सुबह 6 बजे ये जो करंट जाएगा, अभी 9 बज रहा है, 3 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, 6 बजे जाता है, चलो अलार्म का काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होता है, हम लोगों का नींद टूट जाता है, हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन ये तो 3 घंटा नहीं रहता है, अभी लिटरली 9 बज रहा है और अभी तक इलेक्ट्रिसिटी आने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मिडिल में तो कल तो ऐसा भी हो रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, मतलब आ रहा है 2 मिनट रह रहा है, फिर से जा रहा है, और जा रहा है तो जा रहा है, आधा घंटा 1 घंटा के लिए जा रहा है, फिर से आ रहा है, 2 मिनट 5 मिनट रह रहा है, फिर से जा रहा है। ऐसा धूप वाला वेदर देख के क्या लग सकता है कि कितना टेम्परेचर हो सकता है, मिनिमम 32 डिग्री, मतलब टेम्परेचर हो सकता है बाहर का, लेकिन अभी गूगल के हिसाब से टेम्परेचर जो दिखा रहा है 28 डिग्री, मतलब, और फील जो हो रहा है ना 32 के बराबर फील हो रहा है, मतलब इतना गर्मी फार के दे रहा है, और ये फिर भी मेरा घर में वाईफाई नहीं चल रहा है, मैं नॉर्मल फ़ोन का नेट से, हा, भाई थैंक गॉड, भाई आ गया बहुत, मतलब 3 घंटे के बाद भाई करंट आया, थोड़ा भाई रिलैक्स रखता है, ऐसा बाहर का वेदर, उसके बाद अगर घर का इलेक्ट्रिक नहीं रहता है भाई, पूरा एकदम जीना हराम कर देता है पूरा एकदम, मतलब रहो तो रहो कैसे, मतलब रहो तो रहो कैसे, खाओ तो खाओ कैसे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना खा पाओगे, ना रह पाओगे, ना सो पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा अगर करंट ऑफ हो जाएगा, और ऐसा बाहर में बाहर के गर्म रहेगा। बहुत ढूंढने के बाद मेरे को जाके 4 टिकट मिला, वो भी मिला कैसे, एक ऐप होता है यहाँ का, ये ऐप जैसे हम लोग का बुक माई शो, फिर और भी दूसरा दूसरा ऐप होता है, यहाँ पे है टिकट न्यू करके एक ऐप है, ये वाला ऐप, सो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, ये वाला ऐप से मैंने यहाँ का शो बुक किया, जो ये खास करके जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो, अंडमान में घूमने के लिए आ रहे हो, एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हो, वो अगर सोच रहे हो कि आज चलो मूवी देखने जाते हैं, अच्छा वाला मूवी लगा है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेनलैंड में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मूवी चल रहा है, तो टिकट कैसे बुक करो, तभी ये टिकट न्यू, यहाँ पे जो ऐप चलता है वो है टिकट न्यू करके ऐप, वो ऐप डाउनलोड करो, इजी टू यूज़ है, सिर्फ OTP लॉगिन है, लॉगिन करो, ऐप लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद टिकट बुक करो, आराम से टिकट बुक होगा, जाओ शो देखो, मजा करो। बाप रे बाप, बाहर गर्मी एकदम फाड़ के गर्मी है भाई, अभी पीयू को छोड़ के आया मैं बाहर से, बाहर से मतलब वो ऑफिस गया, उसको छोड़ के आया, बाहर इतना धूप दिखाई दे रहा है ना, खतरनाक वाला धूप है बाहर, और 32 सुबह बोल रहा था, 32 नहीं भाई 35 के करीब गर्मी लग रहा है आज, थैंक गॉड आज कुछ काम नहीं है, घर में रहूँगा, थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा रेस्ट करूँगा अभी। फाइनली द टाइम इज हियर, सो नाउ
वी आर गोइंग फॉर द मूवी, अभी मूवी के लिए जाएंगे हम लोग, वो द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के लिए हम लोग जाएंगे फिलहाल। अभी प्यू को पहले लेंगे हम लोग, मैं पहले जाऊंगा ऑफिस में, थोड़ा बहुत काम है, काम ख़त्म करके प्यू को लेने जाऊंगा, प्यू को लूँगा, लेने के बाद वहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकल जाएंगे मूवी देखने के लिए। सो मूवी जो है 8 बजे का मूवी है, 10-15 मिनट पहले जाना होगा वहाँ पे टिकट लेने के लिए। फिलहाल घर का हालत ऐसा है, जितना सूखा कपड़ा बाहर में था सब ला के रख दिया यहाँ पे, जमा कर दिया। अभी मैं फटाफट निकलता हूँ वहाँ पे, रात का खाना भी मैं रेडी कर लिया। सो कोई टेंशन नहीं, 8 बजे का मूवी है, 2 घंटा तो मैक्सिमम लगेगा, 10, 11, 11:30, 12:30, 1 भी बज जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। घर आके खाना रेडी है मेरा, खाऊंगा सोऊंगा कल। मास्क वगैरह पहन के मैं फुल रेडी हो गया। अभी काम जो है, गैस वगैरह सब कुछ ऑफ है कि नहीं, ये बात बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी बाहर जा रहे हो तो घर का गैस सिलेंडर वगैरह ये सब कुछ ऑफ करो, पानी का जगह ये सब कुछ ऑफ करो, लाइट वगैरह ऑन है कि नहीं वो चेक कर लो, चेक करके एक छोटा सा लाइट जला दो फिर ऑफ कर दो, नहीं तो बिल आएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ऑफ कर देता हूँ, और सिर्फ अभी ये वाला लाइट मेरे को ऑफ करना है। लेकिन फिलहाल ये वाला तो जलने देता हूँ, लेकिन घर में नहीं तो सभी लाइट ऑफ हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। फिलहाल ये वाला लाइट मैंने जलाया नहीं, यहाँ पे एक छोटा वाला लाइट रहता है मेरा, कौन सा वाला स्विच है, खुद ही भूल गया, जल गया, हाँ जल गया जल गया जल गया जल गया सभी लाइट। चलो ये वाला जल गया, उस घर में जल गया, वैसे इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, हेलमेट लेके मैं निकलता हूँ। फाइनली मैं हॉल के सामने आ गया, लेकिन इतना बड़ा सेटअप मेरे को कैरी करना दिक्कत होगा। सो फोन को मैं अलग से खोल के ये वाला सेटअप को मैं लगा देता हूँ, फाइनली ये वाला को खोल लेता हूँ पहले। तो इस वाले को खोल लिया है मैंने, इसमें डाल के रख देता हूँ। फाइनली वी आर इन, अभी मूवी देखने जाएंगे, टिकट पास वगैरह सब कुछ ले लिया, कलेक्ट कर लिया, अभी सिर्फ उसको स्कैन करना, अंदर जाना अंदर। सो बेसिकली सभी ने बोला था मूवी अच्छा है, मूवी अच्छा है, मूवी अच्छा है, मैंने तो देखा नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने आया यहाँ पे मूवी देखने के लिए, पता नहीं मूवी कैसा होगा, पहले देख लेते उसके बाद मैं आके रिव्यू दूंगा, फिर भी आप लोग भी देखने जाओ मूवी को। सो मूवी अच्छा है करके फाइनली मैं आ तो गया। अभी मूवी देखने से पहले मैं एक बार सोचा कि टॉयलेट में चला जाता हूँ, फ्रेश ना हो जाता हूँ, एकदम आधे घंटे से, मतलब इंटरवल से पहले, आधे घंटा बोल रहा हूँ, इंटरवल से पहले कोई ब्रेक नहीं लेना है मेरे को। अभी टाइम ऑलमोस्ट 11:30, मतलब 12 बज रहा है। सो अभी हम लोग घर आए। सो मूवी बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत ही अच्छा है मूवी। सो मैं देख के आया, मैं उस पर ऊपर कोई जज नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं बोलने वाला मैं। सो मैं एक ही बात बोलूँगा, जाओ एक बार आप लोग देखो। हाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव फीलिंग होगा मूवी देख के आने के बाद, लेकिन मैं कैसे रिफ़्रेश होना है वो बात भी मेरे को पता है, मैं रिफ़्रेश होने वाला हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग होगा। एटलीस्ट भगवान के पास हम लोग बहुत ही थैंकफुल है कि हम लोगों के पास एटलीस्ट रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, सब कुछ है। सो ये बात को आप मूवी देखने के बाद ही आप जज कर पाओगे, आप कोट कर पाओगे, उससे पहले आप कोट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ तक अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग।